कोरोना वायरस महामारी के 2 साल के भीतर चौथी बार महाराष्ट्र के सभी स्कूल गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले आज 24 जनवरी को फिर से खोल दिए गए हैं। इससे पहले दिसंबर 2021 में स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन क्लासेस को बंद कर दिया गया था। बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर स्कूलों के खुलने पर रोक थी। फिर से स्कूल खुलने पर स्टूडेंट में खुशी की लहर। स्कूल फिर से खुलने पर एक स्टूडेंट ने खुशी जाहिर की है। स्टूडेंट ने कहा है कि स्कूल वापस जाकर अच्छा लग रहा है। हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले गए स्कूल। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार से पूरे कोविड प्रोटोकॉल और SOP के साथ स्कूलों को फिर से खोलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। स्कूल खोलने पर आदित्य ठाकरे ने क्या कहा? वहीं मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने स्कूलों में छात्रों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं की है। कुछ जिलों में स्कूल खुल रहे और कुछ में नहीं। अनुमति लेकर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। हम सभी से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील करते हैं। ये फैसला कई बच्चों की तरफ से सोशल मीडिया पर CM ठाकरे और अन्य अधिकारियों से स्कूल जाने की इच्छा के अलावा सरकार, बाल चिकित्सा कार्य बल और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच लगातार बातचीत के बाद सीधे अपील जारी करने के बाद लिया गया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।